तो टॉप राइट कॉर्नर में और पीछे की तरफ देख सकते हो यार, इस वक्त मेरे पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं एंड मैं पुलिस वालों से बच के भाग रहा हूँ भाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई पुलिस वाले आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैं बताता हूँ तुम लोगों को, एक सेकंड पहले जरा इन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाऊँ या फिर थोड़ा दूर चला जाऊँ, फिर बताता हूँ मैं क्यों पड़े हैं ये पुलिस वाले मेरे पीछे। ओके क्विकली लेट्स गो। चलो भाई चलो, ये पार्किंग है क्या? यहाँ पे छुपा सकता हूँ यार अपनी गाड़ी को मैं सिंपली। यस लेट्स क्विकली गो। चलो। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आ गया भाई पार्किंग में। काम करता हूँ, गाड़ी को इधर छुपा देता हूँ एंड मैं खुद कहीं और छुप जाता हूँ। चलो भाई, शायद पुलिस वाले यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं बताता हूँ, वो जो बाहर अभी गाड़ी मैंने रखी है, वो गाड़ी मैं अभी चुरा के आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं गाइज, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है, ये तुम लोगों को लगेगा नहीं, बड़ी 20 करोड़ की गाड़ी है यार। 20 करोड़ की है ये, सुपर कार नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स कार है एंड 20 करोड़ की ये स्पोर्ट्स कार है। एंड जैसे ही मुझे पता चला इस गाड़ी की कीमत, मैं चला गया यार मुँह उठा के इस गाड़ी को चुराने के लिए। एंड तुम लोग देख सकते हो भाई, चुरा के मैं लेकर अभी फिलहाल भाग ही रहा था एंड पुलिस वालों को पता चल गया कि ये गाड़ी मैंने चुराई है। बस तब से ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं एंड इनसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिलहाल गाड़ी को मैंने बाहर रख दिया एंड खुद इधर छुप गया हूँ। पता नहीं यार उन लोगों ने मेरे को देख लिया है या फिर नहीं। ओ नो, एक बंदा आ रहा है। ओ तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। ओ नो, देख लिया इन लोगों ने, देख लिया। नीचे से भी एक आ गया पुलिस वाला। सॉरी सर प्लीज। ओ नो सॉरी सर टकलू सर। अरे मान जाओ भाई, भागो। नाइस, निकल लो। यार यही तो गड़बड़ हो रही है मेरे संग। अब देखो ये गाड़ी चुरा के मैं आ गया, भाग के तो आ गया, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस वालों से भागने में हालत खराब हो रही है यार। पुलिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते हैं यार मेरा, ना ये पुलिस वाले पीछा छोड़ रहे हैं, ना ये स्वैट सोल्जर्स पीछा छोड़ रहे हैं। मैं गाड़ी रख के कहीं भी छुप सकता हूँ, गाड़ी नहीं वापस लेके जाएंगे ये लोग, इन्हें मैं चाहिए, मुझे ही ढूंढते रहते हैं ये लोग, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। फिलहाल अभी जल्दी से इन पुलिस वालों से पीछे छुड़ाते हैं। आई होप तुम लोग समझ गए हो कि मेरे पीछे क्यों पड़े हैं पुलिस वाले, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये 20 करोड़ की गाड़ी चुराई है एंड इसीलिए मेरे को अभी ये पकड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इनके हाथ नहीं आने वाला भाई, मैं पीछा तो छुड़ा लूंगा इनसे, बस वही है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने में भाई, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले हो गए यार लॉस सैंटोस में। पहले का जमाना एक अलग था भाई, मुश्किल से एक आध हेलीकॉप्टर पीछे पड़ते थे, 2-4 गाड़ियां पीछे पड़ती थी, इधर उधर किसी कोने में कोपचे में छुप जाओ पुलिस वाले पीछा छोड़ देते थे। लेकिन अभी इतने सारे पुलिस वाले हो गए हैं, बहुत देर तक पीछा करते रहते हैं जब तक किसी बढ़िया सी जगह पे ना छुपो। अभी फिलहाल इनसे छुपने के लिए मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ यार, एंड लॉस सैंटोस के अंदर कोई जगह ढूंढ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है छुपने के लिए। हर जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। किधर जाऊँ यार, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा छुपने के लिए। वेयर शुड आई गो? एक और पार्किंग है सामने की तरफ, चलें क्या? देखो यार गाड़ी को छुपाना ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, गाड़ी को तो मैं कहीं भी छुपा दूंगा, पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाते गाड़ी को, लेकिन ये लोग मेरे को बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं एंड खुद को ही छुपाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल देखो गाड़ी को मैं, मान लो इधर कोई पार्किंग है, हाँ ये रही एक पार्किंग। गाड़ी को देखो मान लो मैं इधर लेके चला गया एंड यहाँ पर इस पार्किंग के एंट्रेंस कहाँ से है भाई? अरे तेरी ऐसी की तैसी, पार्किंग के एंट्रेंस कहाँ से है? अरे हट जाओ सर जी। पार्किंग की जो एंट्रेंस है गाइस, वो है लगभग यहाँ से, ये रही पार्किंग के एंट्रेंस। एंड देखो गाड़ी को इधर लेके आ गया मैं शांति से, यहाँ पर मैं प्यार से इस गाड़ी को इधर रख दूंगा, ठीक है? एंड यहाँ से मैं खुद पैदल भाग लूंगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, मुझे खुद को छुपाना है जल्द से जल्द, पुलिस वाले मेरे तक पहुंचे इससे पहले मुझे खुद को छुपाना है भाई। एंड यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज हो रही है आजकल मेरे लिए, खुद छुपना। गाड़ी तो मैं कहीं भी रख देता हूँ, पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन पुलिस वाले मेरे तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं एंड मुझे खुद को छुपाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है इस वक्त। फिलहाल अभी मैं कहाँ जाऊँ, एक काम करता हूँ ये ब्रिज लेके सामने वाली बिल्डिंग पे चला जाता हूँ। हाँ देखो भाई ये ब्रिज है, देख रहे हो कैसा ब्रिज है, इधर से चलते हैं सामने। आ गया सामने वाली एयरपोर्ट वाली बिल्डिंग पे ब्रिज को लेके एंड कुछ देर यहीं पे रहते हैं, जब पुलिस वाले चले जाएंगे तो वापस अपनी गाड़ी लेके निकल लेंगे घर। एंड यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, पुलिस वालों ने फिलहाल मेरा पीछा छोड़ दिया है। ना कोई आजू बाजू हेलीकॉप्टर है, ना कोई पुलिस वाले की गाड़ी, ना कोई स्वैट सोल्जर, तो पीछा मैंने आसानी से छुड़ा लिया है एंड अभी वापस से सामने वाली बिल्डिंग में चलते हैं। चलो भाई चलो, इस ब्रिज का यूज़ करके वापस से निकलते हैं, काफ़ी बढ़िया कनेक्टिंग ब्रिज है यार। ओ नो, यहाँ से उतरू कैसे मैं, इधर सीढ़ी है। रुको, यहाँ से आराम से उतरते हैं।
चिल एकदम, ये आ गए नीचे एंड हियर वी गो। फटाफट से उस ब्रिज का रास्ता लेते हैं एंड ब्रिज के यूज़ करके सामने वाली बिल्डिंग में चलते हैं। आ गए भाई ब्रिज से, आ गए इस बिल्डिंग में। एंड मैंने गाड़ी कहाँ रखी थी? मैंने गाड़ी नीचे वाले फ्लोर पे रखी थी शायद। देखो भाई पुलिस वालों ने मेरा पीछा छोड़ दिया। पुलिस वालों के पास पूरा चांस था कि जिस गाड़ी को मैं चुरा के लेके आया था वो उस गाड़ी को ले जा सकते थे, जिस 20 करोड़ की गाड़ी को लेकर आया था मैं, लेकिन वो पुलिस वाले ले ही नहीं गए होंगे क्योंकि वो गाड़ी के पीछे नहीं भागते, वो लोग मेरे पीछे भागते हैं। वो गाड़ी वापस नहीं चाहते हैं, वो मेरे को पकड़ना चाहते हैं। पता नहीं क्या सीन है इन पुलिस वालों का। फिलहाल वो गाड़ी येलो कलर की नहीं ले गए होंगे भाई पुलिस वाले, तुम लोग देख लेना वो रही गाड़ी। बताओ पुलिस वालों के पास कितना अच्छा मौका था, लेकिन वो गाड़ी ढूंढ ही नहीं पाते हैं। एंड यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैं बचाऊँ। तो मैं सोच रहा था यार मैं कोई ऐसा कुछ बनाऊँ क्या, सीक्रेट बेस वगैरह, कुछ ऐसा सीक्रेट सी चीज़ जिसके अंदर मैं खुद को छुपा सकूं, क्योंकि तुम लोगों के सामने एग्जांपल है भाई, मैं गाड़ी को कहीं भी छोड़ दूं पुलिस वाले गाड़ी वापस लेके नहीं जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिख जाऊं मेरे को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो मतलब गाड़ी छुपाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को हम लोग कहीं भी फेंक देंगे। मुझे खुद को छुपाने के लिए कोई बढ़िया सा सीक्रेट बेस बनाना चाहिए पुलिस से बचने के लिए। एंड ये सीक्रेट बेस मैं सोच रहा हूँ अपने घर के आजू बाजू बनाऊँ, क्योंकि देखो घर के आजू बाजू काफ़ी सारी जगह है मेरे गाड़ी वाड़ी छुपाने के लिए। मैं झाड़ियों में छुपा सकता हूँ, वो पेड़ों के आजू बाजू छुपा सकता हूँ, गिर गया यार, फिर अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के घरों में छुपा सकता हूँ गाड़ी, या फिर घर के सामने वो बड़ा सा तालाब है पौंड है वहाँ छुपा सकता हूँ। तो बहुत सारी जगह है यार गाड़ी छुपाने के लिए, बट मेरे छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कहीं भी छुपूँ पुलिस वाले मेरे तक पहुँच ही जाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सीक्रेट बेस ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर मैं खुद जाके छुप सकूँ एंड जब तक बाहर ना हो जब तक पुलिस वाले ना चले जाएं। तो ये काफ़ी बढ़िया चॉइस है, काफ़ी बढ़िया आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है कहाँ आखिरकार मैं बेस बनाऊँ, कहाँ सीक्रेट बेस बनाऊँ जहाँ मैं खुद छुप सकूँ। फिर उस बेस के अंदर मुझे बेड चाहिए होगा, एक बाथरूम चाहिए होगा, टीवी चाहिए होगा, क्योंकि पुलिस वालों को कोई भरोसा नहीं है, वो काफ़ी घंटों तक ढूंढते रहेंगे मुझे, तब तक मैं वहाँ पर छुपा रहूँगा। तो मुझे ऐसा एक बेस चाहिए, लेकिन कैसे बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ? घर के आजू बाजू बनाना है लेकिन कैसे बनाऊँ? जरा चलते हैं घर पे सोचते हैं, बनाऊँगा तो सही मैं कभी ना कभी, लेकिन कैसे बनाऊँ? अभी ये स्पोर्ट्स कार लेकर मैं घर पहुँचने वाला हूँ। 20 करोड़ की ये स्पोर्ट्स कार है एंड इसका इंजन देखो बहुत पावरफुल इंजन है, दिख रहा है पीछे शीशे के थ्रू। वैसे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस से भर गई है, हर तरफ स्क्रैचेस है भाई, शीशा टूट गया है भाई इसका एंड इधर का भी शीशा टूट गया है दोनों तरफ के एक्चुअली में, एंड काफ़ी सारे बुलेट्स के निशान भी हैं। थोड़ा बहुत खर्चा आएंगे एंड वापस से ये गाड़ी 20 करोड़ की हो जाएगी, बट अभी मुझे इससे भी एक एक्सपेंसिव गाड़ी चुरानी है जो कि लगभग 50 करोड़ की है। अब वो 50 करोड़ की गाड़ी मैं तभी चुरा सकता हूँ जब मेरे पास खुद के छुपने के लिए कोई बढ़िया सी जगह हो यार। कहाँ बनाऊँ कोई सीक्रेट बेस, कोई सीक्रेट बंकर, कोई सीक्रेट रूम जहाँ मैं छुप सकूँ, क्योंकि गाड़ी तो देखो मैं इधर भी ला के रख दूंगा, पुलिस वाले इतने डम बेलोस सेंटोस के वो नहीं ढूंढ पाएंगे यहाँ से भी गाड़ी, लेकिन वो लोग मेरे को ढूंढ लेते हैं, इसीलिए गाड़ी तो मैं कहीं भी रख दूंगा। मुझे खुद को छुपाने के लिए जगह चाहिए, सीक्रेट बेस चाहिए, सीक्रेट बंकर चाहिए, सीक्रेट रूम चाहिए। क्या बनाऊँ मैं? इस चेयर के नीचे कोई सीक्रेट बेस, इस बेड के नीचे कोई सीक्रेट बंकर, वो पुलिस वाले ढूंढ निकालेंगे यार। इधर 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 टेबल के नीचे, या फिर इधर पौधे के नीचे, या फिर ये दरवाजा उखाड़ के बाथरूम में छुप जाऊं अपने, या फिर क्या करूं यार, कुछ भी नहीं सूझ रहा सीरियसली में। कहाँ इस डाइनिंग टेबल के नीचे, नहीं इसके नीचे, नो वे, इधर बालकनी में कोई सीक्रेट रूम, अरे यार स्विमिंग पूल के नीचे, पानी भर जाएगा सीक्रेट रूम में ही और खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा आएगा। अब किधर, इधर बाहर डस्टबिन के नीचे, इन झाड़ियों के पीछे, अब हाँ दीवार, इस पहाड़ के अंदर, इस सीवर के ढक्कन के अंदर। वेट, आइडिया तो बढ़िया है यार, सीवर के ढक्कन के अंदर मैं जाके छुप सकता हूँ। पुलिस वालों को भाई लिटरली में 1% भी चांस नहीं है कि उनको पता लग जाए कि मैं कहाँ छुपाऊँ। आइडिया तो बढ़िया है यार, रैंडमली एकदम मस्त आइडिया मिल गया।
सीरियसली मैं भाई सोच रहा था मैं इधर बेड के नीचे, इधर दीवार के पीछे, झाड़ियों के पीछे, डस्टबिन के नीचे, बेड के नीचे, नहीं सब छोड़ो, सबसे बढ़िया ये सीवर के ढक्कन के नीचे। यस सीवर जो होता है वो पूरा तुम लोगों को पता ही होगा कैसा सिस्टम होता है, इसके नीचे पूरी टनल सी होती है एंड उसके अंदर सभी के घर का जो वेस्ट वाला पानी होता है वो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक सीवर है, फिर इसके अलावा थोड़ी दूर आगे हम लोग चलेंगे, फिर उसके बाद देखो इधर कहीं होगा सीवर, एक सेकेंड कहाँ है, ये देखो यहाँ पर सीवर है। तो ऐसा है कि सबके घरों के आगे एक आध सीवर के ढक्कन होंगे, तुम लोगों को पता ही होगा यार। एंड इसके नीचे पूरा एक टनल सा होता है, पूरा एक पानी बहता रहता है सीवेज का। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, उस सीवेज वाले पानी के अंदर किसी तरीके से हम लोग बेड, टीवी वगैरह का कनेक्शन करके अपने घर के जस्ट सामने सीवर के नीचे एक सीक्रेट रूम बना देंगे, मज़ा नहीं आ जाएगा यार? आइडिया तो सीरियसली सॉलिड है, पता नहीं आइडिया एग्जीक्यूट कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर लूंगा यार एग्जीक्यूट, लेकिन ये सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर किसी और को मान लो लाया मैं ये सीक्रेट रूम बनवाने के लिए, उसको तो फिर पता चल जाएगा, तो फिर ये सीक्रेट रूम सीक्रेट का है बात का, इसीलिए सीक्रेट रूम मुझे खुद अकेले ही बनाना पड़ेगा, ताकि सीक्रेट रूम की जो सीक्रेटनेस है वो मेरे तक ही सीमित रहे, तो खुद ही बनाना पड़ेगा भाई। तो चलो फिर आज रात को काम शुरू करेंगे, क्योंकि दिन में तो भाई गाड़ियाँ चल रही है बहुत सारी, अभी सीवर का ढक्कन खोला गाड़ी वाड़ी फंस जाएगी इसमें, इसलिए अभी तो नहीं, रात को एकदम मामला शांत हो जाता है तब हम लोग इस सीवर के ढक्कन को ओपन करके रात रात में ही सबसे एपिक सीक्रेट रूम बनाएंगे। यस चलो फिलहाल इस गाड़ी को रख देते हैं, रात रात में ही मैं सुबह तक भाई सारा काम निपटा दूंगा इस सीक्रेट रूम का, एंड कल हम लोग चलेंगे उस 50 करोड़ की सुपर कार को चुराने के लिए, एंड फिर इस सीक्रेट रूम का यूज़ करेंगे पुलिस वालों से बचने के लिए, देखते हैं पुलिस वाले यहाँ पकड़ पाते हैं ये नहीं मुझे। अभी तो फिलहाल सो जाता हूँ मैं दिन में ही, ताकि रात को जाग सकूँ, वरना रात को पता चला सीक्रेट रूम बनाने के चक्कर में नींद आती रही। चलो चलो भाई गुड नाइट एवरीवन, नहीं काय बात का गुड नाइट भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं चला सोने के लिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, एंड सुबह हो चुकी है। रात को जगा हूँ मैं यार सीवर का काम करने के लिए, मतलब सीवर का नहीं, सीवर के अंदर सीक्रेट रूम बनाने के लिए, एंड टुडे वी विल मेक द बेस्ट सीक्रेट रूम एवर मेड इन लॉस सैंटोस। चलो भाई सीक्रेट सीवर रूम बनाया जाए। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो नहीं चल रही होंगी यार इस टाइम पे, कितने बज रहे हैं? ओ रात के 1:30 बज रहे हैं भाई, रात के 1:30 बजे कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी? नहीं 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 है भाई, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं चल रही इधर, बढ़िया है सही है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो यार ये सीवर का ढक्कन ओपन करना पड़ेगा, पता नहीं ओपन होगा भी कि नहीं मुझसे, कई सालों में ओपन नहीं हुआ ये। चलो ड्रिल मशीन से, या फिर वो जो होता नहीं है भाई क्या बोलते हैं उसे, क्रोबार से ओपन हो जाएगा, मेरे पास है क्रोबार एक्चुअली, मैं घर पे लेकर आता हूँ मैं फटाफट। ये रहा क्रोबार, एंड इससे हम लोग ओपन कर तो सकते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, लेट्स ट्राई। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, मारना नहीं है भाई किसी को, सीवर का ढक्कन ओपन करना है। चलो भाई चलो, नहीं भाई क्रोबार से नहीं ओपन हो रहा, ये ड्रिल मशीन लेके आनी पड़ेगी, ये किसी काम का नहीं है। चलो ड्रिल मशीन की आवाज़ से पड़ोसी ना डिस्टर्ब हो जाए यार, सर खा जाते हैं ये लोग, फिर रात को आके हंगामा करेंगे, भाई तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, बजा दूंगा मैं, मत जाना कोई से भी। ओके अबे यार सीवर के ढक्कन भाई शांति से ओपन हो जा, क्या लेगा ओपन होने का। चलो भाई कंटिन्यूअसली, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। ओके नाइस लेट्स गो, कम ऑन ओपन हो जा प्लीज, प्लीज ओपन हो जा सीवर का ढक्कन भाई प्लीज, एंड हियर वी गो एवरीवन। भाई सीवर का ढक्कन हटा दिया है मैंने, एंड थोड़ा सा ऐसे साइड में मैंने बाउंड्री भी लगा दी है कुछ इधर से, भाई कोई जानवर वानवर ना कूद जाए मेरे ऊपर इसीलिए। एंड देख सकते हो काफ़ी अंधेरा सा लग रहा है यार, अंदर लाइट वाइट नहीं होगी तो अंधेरा सा ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो आर वी रेडी, लेट्स गो इनसाइड द बेस्ट एवर सीक्रेट सीवर रूम। यस इसका नाम यही रहेगा भाई, सीक्रेट सीवर रूम। एंड अभी चलते हैं देखते हैं अंदर का माहौल कैसा, अभी तो भाई अंदर ही नहीं गया मैं, फर्स्ट टाइम एंटर करने वाला हूँ इसके अंदर, अभी पहले देखते हैं अंदर चल के, एंड देन हम लोग भाई सोचेंगे कि आखिरकार अंदर रूम को किस तरीके से सजाना है, मतलब किस तरीके से भाई उसके अंदर बेड, टीवी, सोफ़ा, किचन और बाथरूम वगैरह किस तरीके से बनाना है। पहले तो अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर से कैसा है, लेट्स गो। ओके आ गए, अरे यार कहाँ के गिर गया। ओके ओ भाई साहब ये क्या है, ओके ये रहा भाई, देखो यहाँ से आया हूँ मैं, एंड ये एंटर कर चुके हैं सीवर में, यहीं से अपना पानी आता है क्या, इस वाले पाइप से, पता नहीं किस वाले पाइप से आता है, बाकी ये सीवर के अंदर एंटर कर चुका हूँ मैं, एंड काफ़ी बदबूदार इलाका है, और कैसा अजीबोगरीब इलाका है भाई,
काई वाई सी जमी पड़ी है। ओके चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, रोशनी काफ़ी कम है भाई, इधर लाइट्स वाइट्स लगानी पड़ेंगी। टॉर्च होगी क्या मेरे पास? टॉर्च नहीं लेके आया यार मैं, लेके आऊँ क्या? लेकिन मेरे गन के अंदर टॉर्च होगी ना, शॉट गन के अंदर। अबे नहीं है इसके अंदर, पिस्टल के अंदर। किस्मत ख़राब, रुको यार मैं फटाफट क्विकली टॉर्च लेकर आता हूँ। Here we go, ये रही मेरी ब्यूटीफुल सी टॉर्च एंड कुछ रोशनी तो हो नहीं रही इससे। ओ ये क्या है? चूहा, हेलो चूहा बड़ी। चूहे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो सर जी, भागो यहाँ से। अबे क्या चूहा है ये, छोड़ो भाग भी नहीं रहा वो। तो सही जगह है यार, अब सीक्रेट रूम कहाँ बनाया जाए ये देखने वाली बात है। ये क्या है पता नहीं, शायद किसी दूसरे एरिया का सीवर कनेक्ट होने वाला होगा इस जगह से। सीक्रेट रूम कहाँ बनाया जाए, दिस इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पर मे भी, यहाँ पर देखो रोशनी काफ़ी अच्छी है, लाइट वाइट है यहाँ पर काफ़ी सारी। हाँ तो चूहा भाग रहा है, रेस लगाएगा चूहे भाई, आ जा। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, चूहे से रेस लगा रहा हूँ। ये वाली जगह ठीक है लेकिन देखो इधर से ये मामला पानी टूटा हुआ है। आई गेस इसी के लिए यहाँ पर लाइट्स लगाई है, यहाँ पर काम वाम होता होगा। लेकिन काम होता तो भाई वर्कर्स नज़र ज़रूर आते, मुझे नहीं लगता यहाँ पर काम होता होगा। ऐसी बस लाइट्स लगा दी गई हैं कि कोई सीवर के अंदर आए तो उसे दिख जाए कि ये टूट गया है। खैर छोड़ो, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, यही जगह बेस्ट है अपने सीक्रेट रूम के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर काफ़ी रोशनी है, लाइट वाइट का कनेक्शन करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, टीवी का कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि काफ़ी सारी लाइट्स है, कहीं से भी तोड़ो एंड टीवी कनेक्ट कर दो। ये आई गेस द बेस्ट लोकेशन है एंड यहीं पर मुझे सीक्रेट रूम बनाने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग, बनाए इधर ही? हाँ भाई चलो फिर, लेट्स डू दिस एवरीवन। देखो सबसे पहले तो भाई साहब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बेड चाहिए। बेड बड़ा वाला बेड तो आएगा नहीं भाई, या फिर आ जाएगा, टुकड़ों में लेके आते हैं इधर, ला के उसे असेंबल कर देंगे। हाँ ऐसा काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन यार फिर बेड कहाँ से लाऊँ मैं? अब अपने घर वालों तो बेड उठा के लाऊंगा नहीं। और कितने चूहे हैं इधर इधर, ये देखो एक दो ऊपर तीसरा दौड़ रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, फटाफट से एक काम करते हैं, रात का टाइम है, कुछ ही दुकानें खुली होंगी लॉस सैंटोस में, चलते हैं ज़रा, बेड लेकर आएंगे एंड सोफ़ा वगैरह टेबल वगैरह वो सब फोल्डिंग वाला लाएंगे जो इतनी सी जगह में नीचे आ जाए। यस ऐसे सब सामान लेकर आते हैं एंड फिर यहाँ पर उन सारे सामान को सेट करके अपना रूम एकदम बढ़िया बनाएंगे। चलो अभी बाहर निकलते हैं फटाफट। आ गए बाहर, निकालते हैं अपनी गाड़ी। अरे यार कोई पिकअप ट्रक होता तो उस पर आराम से सारा सामान आ जाता, कोई नहीं इस पे भी रख के ले आएंगे। 20 करोड़ की गाड़ी पे फर्नीचर लाद के लाने वाला हूँ मैं। बताओ यार 20 करोड़ की गाड़ी पे तुम लोगों ने देखा है किसी को फर्नीचर इधर से उधर ले जाते हुए? मैं ले जाने वाला हूँ भाई, और चलते हैं फिर, लेट्स गो। क्या क्या चाहिए पहले रुको भाई, छोटा वाला टीवी चाहिए, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं। कंप्यूटर लगा देंगे एक, यस, एंड वाईफाई लगा देंगे, सब कुछ भाई, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं खुद को। एक कोने का सीक्रेट होटल बना दूंगा मैं उसे, फाइव स्टार होटल, 5 स्टार नहीं भाई, सीवर स्टार होटल। चलो अभी क्या क्या लाऊँ, एक सेकंड मैं फिर से भूल गया, टीवी साथ ही साथ कंप्यूटर एंड फर्नीचर, मिरर वगैरह लगा देंगे और लाइट्स वाइट्स लगा देंगे एक आध। चलो भाई सब कुछ लेकर आते हैं, सबसे पहले फर्नीचर लेने चलते हैं फर्नीचर स्टोर की तरफ। यार लॉस सैंटोस में सारे फर्नीचर स्टोर तो बंद होंगे, वहाँ वाला ओपन होगा वो विलेज की साइड वाला, लेकिन वो बहुत दूर है यार, लेकिन वो काफ़ी बड़ा फर्नीचर स्टोर है। हाँ मॉल तो ओपन होगा लॉस सैंटोस का, मॉल में चलते हैं, वहाँ सारा सामान जो भी चाहिए मिल जाता है। चलो चलो मॉल की तरफ निकलते हैं, लेट्स गो। कहाँ गया वो मॉल, वो रहा वही है क्या शायद? यस 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 ये तो रहा डेविस मेगा मॉल। क्विकली चलते हैं यार, फर्नीचर मिल जाएगा इस टाइम पे, ओपन तो लग रहा है यार ये। चलो चल के देखते हैं, मिल गया तो ठीक है वरना कहीं और चलेंगे। लेट्स गो गाइस, फटाफट से चलते हैं एंड इधर से ट्रॉली, छोड़ो यार डायरेक्ट सामान लेके आते हैं। टेबल बेड फोल्डिंग वाले मैंने ले लिए हैं, लोकल वाले सस्ते वाले। एंड अभी चलते हैं कंप्यूटर के लिए, टीवी के लिए, उसके लिए वो डिजिटल स्टोर चलना पड़ेगा। चलो निकलते हैं वहाँ भी। 20 करोड़ की गाड़ी पे इतना सामान लाद लिया भाई मैंने। ये आ गया भाई डिजिटल स्टोर की तरफ, यहाँ पर फ़ोन, अपना कंप्यूटर, पीसी, जो भी चाहिए होता है सारा मिल जाता है। आइटम लेकर आते हैं। ओ भाई साहब कितनी सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा आइटम नहीं हो गया इतनी सी गाड़ी पे? गाड़ी ना पिचक जाए।
नहीं इतनी लोकल तो पता नहीं भाई, ये इस काम के लिए थोड़ी ना बनी है, गाड़ी पिकअप ट्रक थोड़ी ना है यार, ये इतना सारा सामान लोड करके घूम रहा हूँ मैं एक स्पोर्ट्स कार पे। कभी इस स्पोर्ट्स कार ने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि इसका इस्तेमाल सामान ले जाने में होगा। चलो निकलते हैं अब घर, हो गया बहुत हो गया, अब इन सारे सामान को यूज़ करते हैं एंड घर के अंदर नहीं मतलब वो जो सीक्रेट सीवर रूम बना रहा हूँ वहाँ यूज़ करते हैं, लेट्स गो। वैसे एक हटके मैंने चीज़ परचेज़ की है एंड उस चीज़ के बारे में मैंने अभी तक तुम लोगों को भी नहीं बताया। तुम लोगों को क्या बताया मैंने भाई, टेबल बेड एंड कंप्यूटर टीवी ये सब परचेज़ किया, बट मैंने एक और भी चीज़ खरीदी है मॉल से एंड तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ क्या है, बट कुछ ही देर में मैं बताऊँगा। अभी पहले ये सारा सामान नीचे लेकर चलते हैं, लेट्स गो भाई। अरे कैसे जाएगा सीवर के अंदर ये सब कुछ, चला जाएगा, चलो ना भाई लेके चलते हैं। हेलो एंड वेलकम एंड सारा सामान अपने ऊपर ही लेके गिर गया, क्या कर रहा हूँ मैं, दब गया अपने सामान के नीचे, आ रहा कोई हेल्प करो। अरे लेकिन क्या हेल्प करो, इधर कोई है कहाँ, खुद ही सारा सामान निकालना पड़ेगा। ओ पानी गिर रहा है सीवर का, गीला हो जाएगा सब कुछ, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके एवरीवन, आ गया सब कुछ एंड अब मैं तुम लोगों को वो स्पेशल सरप्राइज दिखाता हूँ। आर यू रेडी, 3, 2, 1। यहाँ पर देखो भाई, साइकिल भी परचेज किए मैंने मॉल से एंड नाउ तुम लोग सोचोगे भाई साइकिल क्या जरूरत है भाई, यहाँ से उस सीक्रेट बेस की एग्जिट, ये एग्जिट ही तो हो गया काइंड ऑफ, ये जो अपना बाहर निकलने का एरिया है ये सीवर वाला ढक्कन, ये अपना एंट्री एग्जिट ही तो हो गया, तो यहाँ से अपने रूम तक जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा यार पैदल, इसलिए मैंने साइकिल परचेज कर ली ताकि हम लोग साइकिल से देखो आराम से यहाँ आ गए एंड यहाँ से वापस अगर भागना है तो यहाँ से सिंपली जा सकते हैं एंट्री की तरफ, सिंपल तरीका है भाई, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी साइकिल। बाकी चलो ये जो बेड वेड सब लाया हूँ फटाफट से इनको लगाते हैं, सेट करते हैं एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ये सब कुछ सेट करने के बाद। बाकी अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग वीडियो को लाइक करो यार एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। यस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो नहीं किया फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो भाई बेड लगाते हैं, कम ऑन। हेलो हेलो हेलो, कैसा लग रहा भाई सब कुछ, कैसा है मेरा सेटअप। मैंने बेड तो परचेज किया ही था, ये रहा हमारा लोकल सा बेड। अरे ठीक है लोकल सा क्या, सोना ही तो है इस पे, आराम ही तो करना है, चिल ही तो करना है एंड अबे चढ़ भी नहीं पा रहा मैं बेड पे, कैसा बेड लगाया मैंने ये, हाँ आ गया एंड यहाँ पर सिंपली हाँ सो सकते हैं आराम से। बाकी ये है अपना लैंप, मैंने ये दो लैंप परचेज कर लिए, सस्ते से मिल रहे थे तो मैंने परचेज कर लिया भाई, ये भी सस्ते से मिल रहे थे मैंने खरीद लिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये दो दो लैंप। बाकी टीवी है, ठीक है टीवी एंड ये है सोफा, काफी लोकल सा सोफा है हाँ, लेकिन मैं अकेले ही तो रहने वाला हूँ इधर, क्या ही चाहिए, यहाँ पर आराम से देखो टीवी मजे से एंड यहाँ पर कंप्यूटर भी मैंने खरीद लिया है एंड ये कंप्यूटर लगा दिया था टेबल पे, बट अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि अभी बाथरूम नहीं लगवाया है मैंने, पोर्टेबल टॉयलेट लाऊंगा मैं, वो सबसे बेस्ट होता है एंड यहाँ चेयर भी एक चाहिए, अभी रात का टाइम है थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी यार, सुबह होने से पहले मेरे को चेयर एंड पोर्टेबल टॉयलेट का भी जुगाड़ कर लेना है। चलो देखते हैं बाहर, मुझे तो लग रहा है यार सुबह हो गई है, देखो रोशनी आ रही है पूरी, धूप की रोशनी है क्या, यस सुबह हो गई है भाई ये देखो, यस अबे यार अबे हाँ, और बाहर खुला है ढक्कन, ओ नो गाड़ियां ना जाए इसके ऊपर से, जल्दी से बाहर निकलते हैं यार, ये देखो धूप की रोशनी आ रही है, लेट्स गो ढक्कन बंद करते हैं क्योंकि आ गए फटाफट से ये सीवर का ढक्कन क्लोज करते हैं, गाड़ियां वाड़ियां तो फिलहाल अभी आ नहीं रही है, जल्दी 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 एंड हो गया ओ भाई गाड़ियां वाड़ियां आने से पहले हो गया, बहुत ही बढ़िया, नाइस 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 गाइस नाइस, बहुत ही एपिक। अब चलते हैं जिस गाड़ी के बारे में मैं कल बात कर रहा था यार, इतनी प्लानिंग, इतना बढ़िया सीक्रेट सीवर रूम जिस गाड़ी के लिए बनाया है, वो 50 करोड़ की गाड़ी, अब उसको चुराने के लिए चलते हैं। आर यू रेडी फॉर डैट, चलो भाई लेट्स गो मेरी 50 करोड़ की सुपर कार, आ रहा हूँ मैं, ये फिलहाल स्पोर्ट्स कार थी 20 करोड़ की, अब 50 करोड़ की सुपर कार के लिए चलते हैं, मेरे पास पूरा प्लान रेडी है, देखो मैं सुपर कार चुरा के लाऊंगा, गाड़ी के पीछे तो पुलिस वाले भागते नहीं है, तो उस गाड़ी को ला के मैं इधर कहीं छुपा दूंगा, ठीक है भाई, इधर ये तालाब के अंदर, ठीक है एंड यहाँ से भाग के क्विकली इधर आके एंड मैं सीवर का ढक्कन ओपन करके उसके अंदर घुस जाऊंगा, बस सिंपल, ये है मेरा सिंपल एंड बेहतरीन वाला प्लान। तो चलते हैं फिर उस सुपर कार को चुराने के लिए, आर यू रेडी, चलो भाई उस घर पे चलते हैं जहाँ वो सुपर कार है, चलो 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 चलो, मजा आएगा भाई, देखते हैं इतनी जो मेहनत की है मैंने पूरी रात जाग के, वो मेहनत मेरी सफल हुई या फिर नहीं। तो टैक्सी लेकर आ चुका हूँ मैं, पहली बार कोई चोर टैक्सी लेके गया होगा चोरी करने के लिए, कोई बात होती है ये, चलो कोई बात नहीं। तो जिस घर से, ओ क्या हो गया, पुलिस वालों की आवाज़ क्यों आ रही है मुझे,
तो जिस घर से मुझे वो 50 करोड़ की सुपर कार चुरानी है वो घर यहीं पे है, यही वाला है, बल्कि दिख भी जाएगी 50 करोड़ की वो सुपर कार। यस ये रही, यही तो रही भाई। क्या बढ़िया लग रही है यार, कलर तो देखो। इधर से जंप लगा दूँ क्या, चले यहीं से या फिर आगे से, पता नहीं यहीं से चलते हैं यार, आगे तो क्या पता सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो। सिंपली क्विकली आगे, अरे कितना आसान था यार ये। चलो 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 चलो, अबे अबे गाड़ी नहीं अनलॉक हो रही। अबे ये कैसे फीचर वाली गाड़ी है यार, मेरे हाथों से तो कोई सी भी गाड़ी लॉक हो चाहे अनलॉक्ड हो, कैसी भी गाड़ी हो मैं चुरा लेता हूँ, ये गाड़ी नहीं चुरा पा रहा यार। इसके लिए इसकी की ज़रूरत ही पड़ेगी भाई। शीशा भी तो नहीं टूट रहा है, बुलेट प्रूफ ग्लास है क्या, पता नहीं शीशा तोड़ के मैं गाड़ी चुरा लेता हूँ, क्या करूँ। चाबी भी लेके आऊँ क्या इनके घर से, लेके आ जाते ये तो सीढ़ियाँ, पड़ाव से चलते चाबी लेके आते हैं। मिल गई मिल गई मिल गई भाई, मिल गई चाबी मिल गई। चलो 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 चलो, नाइस नाइस, अब ये गाड़ी खुल जाएगी चाबी से आराम से, देखो शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। क्यों बढ़िया लग रही है भाई, ये लग रही है सीरियसली में 50 करोड़ की सुपर कार। ओ भाई क्या ब्यूटीफुल है यार, कलर तो देखो इसका, कलर क्या बढ़िया है, लाइम ग्रीन भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, मिंट ग्रीन है, एंड बीच में ये डार्क ग्रीन है भाई, ये क्या सुपर कार लग रही है। ओके जल्दी, ओ नो पुलिस वाले, अच्छा किसी और के पीछे, भागो 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 भागो, क्विकली क्विकली क्विकली। चलो चलो गेट खोल दो भाइयों, गेट खोल दो। ओ खुल गया ऑटोमेटिक गेट, ओ बॉडीगार्ड्स भी है, हेलो बॉडीगार्ड्स भाइयों, पुलिस पुलिस को फोन करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, पुलिस तो बुलाओ, पुलिस बुलाओ बॉडीगार्ड्स यार, क्या कर रहे हो, जल्दी पुलिस बुलाओ। एंड मैं यहाँ से निकलता हूँ, चलो भाई अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। 50 करोड़ की गाड़ी चुरा ली है मैंने लास्ट टाइम की तरह भाई, कैसे मैं पुलिस वालों से बचने के लिए इधर उधर भटक रहा था, वैसे नहीं भटकना है, सीधा मुझे घर निकलना है। यस, एंड घर के सामने वो जो तालाब है वहाँ पे गाड़ी छुपानी है एंड खुद छुपना है सीवर के अंदर। एंड एज ऑलवेज पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ चुके हैं, 5 स्टार की पुलिस लग चुकी है भाई मेरे पीछे, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो 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 चलो, सुपर कार मेरी बिंदास भाग रही है भाई बिना किसी प्रॉब्लम के। ओ भाई क्या ड्रिफ्ट हो रही है ये गाड़ी, नाइस 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 नाइस। अभी आगे से लेफ्ट, भाई प्लान पूरा अगर पहले ही रेडी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, चाहे कहीं से भी प्रेसिडेंट के यहाँ से भी गाड़ी क्यों ना चुरानी हो, प्रॉब्लम नहीं आती अगर प्लान फुल प्रूफ है। बाकी अरे यार ये गाड़ी क्यों धोखा दे रही है मेरे को। ओके नाइस, सीधी हो गई सीधी हो गई, चलो चलो चलो। ओ बिल्ली भाई हट जाए सामने से। ओके ओके नाइस, यहाँ से राइट 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 राइट, भागो 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 भागो। प्लान के मुताबिक मुझे फटाफट से पहले पहाड़ पे जाना है एंड वहाँ से गाड़ी को फेंक देना है उधर तालाब के अंदर। चलो 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 क्विकली क्विकली, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ नो 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 नो, जल्दी 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 जल्दी, भागो 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 भागो, पहाड़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर, बहुत ही एपिक बहुत ही एपिक बहुत ही एपिक। चलो 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 चलो, बस बस आ गए आ गए। एंड अभी सीवर के अंदर गाड़ी को फेंक देना है। अरे यार हेलीकॉप्टर जस्ट मेरे ऊपर ही है, कैसे फेंकूँ मैं सीवर के अंदर। ओ नो 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 नो, प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे फुल प्रूफ प्लान में। ओ थैंक यू पुलिस वाले भाई साहब, सीवर के अंदर डायरेक्टली थ्रो करने के लिए मुझे। इस गाड़ी को देखो मैं क्या करता हूँ, इधर फेंक दे इस गाड़ी को, ठीक है छोड़ो अब जल्दी से खुद मैं भागता हूँ। भागो 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 भागो, गोली गोली पड़े इससे पहले मेरे को, भागो। दीवार टापते हैं, ओके 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 ओके। बाबे यार गिरना नहीं है, गिरना नहीं है भाई, जल्दी 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 जल्दी। सीवर 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 मेरे भाई, सीवर मेरे भाई, भाई मेरे सीवर, सीवर मेरे भाई। अब पुलिस वालों की नजरों के सामने से मैं किस तरीके से गायब होता हूँ ये देखने के लिए तुम लोग रेडी हो जाओ भाई। आर यू रेडी फॉर दैट, लेट्स गो 3 2 1 गायब। पुलिस वाले भाइयों गायब। मैं अंदर चला गया भाई सीवर के, आ गया आ गया आ गया, अपने सीवर के अंदर आ चुका हूँ मैं प्यार से। एंड पुलिस वालों ने मेरा पीछा करना ऑलरेडी बंद कर दिया है, देख सकते हो वो लोग सीरियसली मैं फुल्ली कंफ्यूज्ड है, आखिर मैं गया तो गया कहाँ। एंड मैं अभी कोई टेंशन नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास, अरे यार लेकिन खाने पीने का जुगाड़ नहीं किया है मैंने, कोई बात नहीं धीरे धीरे अपग्रेड कर देंगे यार इस सीक्रेट रूम को, नहीं सीक्रेट सीवर रूम को। अभी तो फिलहाल चिल करते हैं एंड कुछ देर बाद ही जाएंगे बाहर, सो जाते हैं थोड़ी देर। काफ़ी देर सो लिया यार, 11:30 बज गए हैं, थोड़ा इधर टीवी वगैरह देख लिया जाए। ओहो 12:30 बज गया यार, टीवी वगैरह भी देख के बोर हो गया, थोड़ा पीसी चला लेते हैं खड़े खड़े ही। 1:30 बज गए यार, अब आई गेस 3-4 घंटे में मामला शांत हो गया होगा, चलते हैं बाहर। अरे कितने चूहे फुदक रहे हैं, चलो कोई तो दोस्त है यहाँ पर मेरा, हेलो चूहे भाइयों। अरे यार मैं पैदल की दौड़ रहा हूँ, वो साइकिल किस लिए लाया था मैं, इस साइकिल का मतलब यही है कि मैं सिंपली इधर से उधर लेके दौड़ सकता हूँ आराम से। ये देखो कितनी आराम से मैं आ गया एंट्रेंस के पास, एंड अभी आराम से चलते हैं बाहर। चलो आ गया बाहर। उन्नू उन्नू स्वेट सोल्जर्स, उन्नू
ओ भाई वो तो यहीं से जा रहे हैं। बच गया भाई। उन लोगों ने मुझे देखा तो सही भाई, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं शक्ल वकल नहीं देखी होगी, क्योंकि गाड़ी छुरा के मैं भागता ही रहा एंड गाड़ी के अंदर था एंड मैं भाग भी रहा था, तो वो लोग मेरे को शायद से टॉप से ही देख पाए होंगे, इसीलिए उन दोनों बंदों ने कुछ नहीं कहा, मेरे सामने से गए भाई वो बंदे दोनों के दोनों ही। कहाँ गए वो लेकिन अब? अरे कहाँ चले गए वो लोग, पता नहीं किधर चले गए, अपनी गाड़ी वाड़ी में बैठ के गए होंगे। भाई मेरे सामने से मैं तो डर ही गया था एक सेकंड के लिए, लेकिन नहीं पहचाना उन्होंने। चलो अब अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। पुलिस वालों की वजह से ही मैं उधर चला गया, वरना सोच रहा था कि उधर जाऊँ तो जाऊँ कैसे। चलो ये रही अपनी 50 करोड़ की ये ब्यूटीफुल सुपर कार, नॉट स्पोर्ट्स कार, इट्स ब्यूटीफुल फ्रिकिंग सुपर कार। सुपर कार से ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट कार लग रही है मेरे को ये। फिलहाल यहाँ से एग्जिट करते हैं अपनी सुपर कार लेके। भाई इसमें तो स्क्रैचेस भी नहीं आए क्योंकि इतनी जल्दी मैं भाई छुपाई। हाँ शीशे वगैरह टूट गए बट नो प्रॉब्लम। अभी इसको, अबे यार मैं स्क्रैचेस क्यों ला रहा हूँ बेमतलब में। एंड अभी इससे मेरी ड्राइविंग वैसे पहले से काफ़ी इंप्रूव हो गई है, तुम लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हो भाई? पहले मेरी गाड़ी इधर उधर टूटती फूटती रहती थी, अब देखो क्या स्मूथ तरीके से, क्या प्यार से संभाल के गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ओके यहाँ चलते हैं एंड इधर चलते हैं, एंड अभी मेरे पास एक सुपर कार भी है एंड एक स्पोर्ट्स कार भी है, दोनों को ज़रा बाहर निकालते हैं क्विकली। तो एक तरफ है अपनी स्पोर्ट्स कार एंड एक तरफ है अपनी सुपर कार। वैसे कौन सी बढ़िया लग रही है यार, कमेंट में जाकर बताओ। बाकी हमारा ये सीक्रेट सीवर रूम बढ़िया लगा हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिल रहे हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।